हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा आपको खेल महाकुंभ की सूचनाएं देते रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं वो एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं और उनके सवालों का आज मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता है, ब्लॉक भीमताल की जो खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताएँ आयोजित होनी है वो 16, 17, 18 नवम्बर को आयोजित होंगी। लेकिन हमारे व्यूवर्स ने इंडिविजुअली पूछा है कि सर फुटबॉल कब होगी, सर बैडमिंटन कब होगा, तो ब्लॉक में ही हमारी अंडर 17, अंडर 14 और अंडर 21 की फुटबॉल की प्रतियोगिता भी उसमें ऐड होगी, साथ ही बैडमिंटन की प्रतियोगिता ऐड होगी। फुटबॉल बॉयज़ के लिए होगी और बैडमिंटन आपका बालक बालिका और एकल युगल मिश्रित तीनों प्रतियोगिताएँ उसमें होंगी। और ये उसकी जो तिथि रखी गई है 16, 17, 18 नवंबर रखी गई है, तो आप अपनी तैयारी करें, उसी के हिसाब से फिर आप लोग खेलने आएंगे। मिनी स्टेडियम भीमताल में ये प्रतियोगिता आयोजित होनी है और इसी तरह अन्य ब्लॉकों में भी, जनपद नैनीताल या हमारे उत्तराखंड के जो तमाम ब्लॉक्स हैं उनमें ब्लॉक प्रतियोगिताएँ जो होंगी वो हमारी 10 तारीख से 20 तारीख के मध्य आयोजित हो जाएंगी, क्योंकि पिछले दिनों जो कैलेंडर निदेशालय से जारी हुआ था उस कैलेंडर में थोड़ा संशोधन किया गया, क्योंकि कुछ परीक्षाएं थी बच्चों की, उसके बाद फिर दीपावली अवकाश होने के कारण थोड़ा सा हमारी जो तिथियां थी इनमें थोड़ा सा अंतर किया गया और ये इनको आगे बढ़ाया गया है। अब जो है, अब ये 10 तारीख से 20 तारीख के मध्य जो है सभी जगह जो है ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएँ उत्तराखंड में हो जाएंगी। उसके बाद 10 दिसंबर तक, 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो है जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है, उसके बाद हमारी स्टेट लेवल की प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। जो ब्लॉक में खेल होने हैं उसमें जो न्याय पंचायत से चयनित होकर हमारे एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं हैं, वॉलीबॉल है, खो खो कबड्डी है, उसमें जो चयनित प्रतिभागी है वो प्रतिभाग करेंगे और साथ में जो नए खिलाड़ी आएंगे वो हमारे फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी आएंगे। अंडर 21 के बालक बालिका सीधे ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें उनके जो खेल होने हैं वो कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर दौड़ जो बालक वर्ग के लिए होगी और 3000 मीटर दौड़ बालिका, लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक और 4x100 मीटर रिले दौड़ होनी है। साथ ही बैडमिंटन, एकल युगल और मिक्स युगल की प्रतियोगिताएं सीधे ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगी। चलिए, आप हमारा YouTube चैनल रेगुलर देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें ताकि सारे लोगों को इसकी जानकारी हो और बढ़िया आयोजन हमारे खेल का होगा। नमस्कार।